सेकेंड कॉज आप अगर एक्सेसिव वेट गेन या वेट लॉस करते हैं, यानी जब भी कोई फीमेल बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ले या वेट लॉस का ऑलमोस्ट मोर देन 10 kg के करीब हो, तब भी उसकी वजह से भी वजाइना लूजनिंग हो जाती है, क्योंकि पूरा जो फैट है वो सिर्फ बॉडी से नहीं, वजाइना के अराउंड जो पैड ऑफ फैट है वहाँ से भी जाती है। तीसरी एक कॉज जो सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज का कोई रिवाज नहीं है, एक्सरसाइजेज दे आर नॉट कॉमन। तो जाहिर है जब तक हम अपनी बॉडी को इस किसी रूटीन में नहीं लेकर जाते, हम एक सिडेटिंग लाइफ के आदि, लाइफस्टाइल के आदि हैं, तो जाहिर है एक कॉज ये है। और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट के आप सब जानते हैं कि एक ख़ास उम्र के बाद मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, तो उस जिसको हम मीनोपॉज, हमारी ज़बान में मीनोपॉज कहते हैं और जो उर्दू में उसको संन्यास कहा जाता है, उसमें क्या है कि आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। क्या है कि हमारे जो हार्मोन लेवल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, उसकी वजह से पूरी बॉडी पर सब जगह, यानी हमारी स्किन है, बोन्स हैं, विजाइना है, सब पर इफेक्ट आता है और लूजनिंग होती है। ड्राइनेस ऑफ विजाइना भी एक कॉमन कंप्लेंट है मरीज की। अब ये विजाइनल लूजनिंग जो है, हमने कॉजेज हमने सुन ली कि जी ये इस वजह से होती है, इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट मरीज की सेक्सुअल लाइफ, आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसके ऊपर इसका बहुत बैड इफेक्ट आता है। एक मरीज जो आप अपनी बाहर का आपका सारा एरिया जो है, आपकी एक नॉर्मल एनाटॉमी जो है वो सारी आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आप साइकोलॉजिकली अपसेट रहते हैं, कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता देखने में, आपका जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ जाहिर है वो अफेक्ट होता है इस सारी चीज़ के साथ। और ये कोई एक या दो दिन का साथ तो नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपने एक लाइफ पार्टनर, तो जाहिर है दोनों ने साथ रहना है। तो आपकी सेक्सुअल लाइफ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैरिटल लाइफ। तो विजाइनल लूजनिंग के लिए अब हम कर क्या सकते हैं, इसके लिए हमारे पास सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों सहूलियात हमारे पास हैं, दोनों तरह का इलाज हमारे पास मौजूद है। जो नॉन सर्जिकल है वो हम लेज़र के थ्रू करते हैं, आपने अक्सर सुना भी होगा कि लेज़र के थ्रू विजाइनल टाइटनिंग की जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, कुछ हमारे यहाँ जो, क्योंकि ये इस तरह का मसला है कि आप ओपनली किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, इवन आप अपनी मदर्स के साथ, बहनों के साथ, ये इतना पर्सनल सा एक इशू है कि इसको डिस्कस किया जाना बड़ा मुश्किल है, हमारे एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या होता है कि हम नेट पर सर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जी, उसमें वो मेडिकल से रिलेटेड भी होती हैं और कुछ नॉन मेडिकल सी चीज़ें हैं, और बहुत सारे हमारे हकीम हुक्मा जो हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन जो मेडिकल टर्म्स और जो हमारी साइंटिफिकली जितनी भी रिसर्च हैं वो ये साबित करती हैं कि जितने किस्म के टोटके, जिसमें से आपने शायद सुना भी होगा फिटकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ हमारे यहाँ क्रीम्स हैं अप्लाई करने के लिए दी जाती हैं कि जी आप लगाएंगे तो जी विजाइनल टाइटनिंग हो जाएगी, ये सब चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव सिर्फ दो ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र जिसको हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और विजाइनल टाइटनिंग का जो सर्जिकल मेथड है, ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको विजाइनल टाइटनिंग प्रोवाइड करती हैं। अच्छा जी, अब लेज़र किसके लिए है? लेज़र हमारे मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लूजनिंग के फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपकी विजाइनल डिलीवरीज हैं, आपका रिलेशनशिप है, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, लैक जो डिक्रीजिंग हार्मोनल लेवल्स हैं, हमारी मेल न्यूट्रिशन है, तो हमारे यहाँ जो विजाइनल लूजनिंग का एक लेवल है जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको बाहर के मुल्कों के साथ कंपेरिजन में करें। वहाँ क्योंकि एक्सरसाइजेज दे आर मोस्ट कॉमन आफ्टर डिलीवरी, फीमेल्स जो हैं वो प्रॉपर एक्सरसाइजेज करती हैं अपने पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, हमारे यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है इन चीज़ों को, तो उनके लिए लेज़र बहुत इफेक्टिव है। लेज़र अगर आप देखें, लेज़र का जो रिजल्ट है मोर देन 70 to 80% के दरमियान में है, और जाहिर है वो नॉन सर्जिकल है तो वो उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे मरीज हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज में से एक कॉमन इशू या इम्पॉर्टेंट इशू कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। लेज़र कभी भी आपको एक सेशन में वो सर्जिकल वो जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकती जो कि आपको सर्जिकल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। तो लेज़र के आपको मोर देन टू सेशंस आपको लेने पड़ते हैं, और हर सेशन जाहिर है आपको एक उसकी कॉस्ट उसकी इतनी है कि आपको ऑलमोस्ट सारा मिलाकर या जो आपका पैकेज बनता है
या जो कॉस्ट बनती है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 lakh से करीब जाकर आपको एक रिजल्ट आपको आना शुरू होते हैं, जिसपे आप थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। सर्जिकल मेथड में ये हमारे हमारे मरीजों के लिए बहुत इफेक्टिव इसलिए है कि एक ही गो में आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आपका इसका रिजल्ट जो है ये मोर देन 80% तक होता है इसमें, क्योंकि आपकी जो एक्सेसिव वजाइनल म्यूकोजा है उसको हम रिमूव करते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उसकी टाइटनिंग करते हैं, और ये सब एब्जॉर्बेबल सूचर्स के जरिए किया जाता है, वो जो अंदर ही वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, कुछ एहतियातें बताई जाती हैं, अगर आप वो सब कुछ फॉलो करते हैं तो आप 70 to 80% और समटाइम्स मोर देन 90% भी अचीव कर सकते हैं। और ये रिजल्ट्स अगर आप इसके बाद दोबारा नॉर्मल डिलीवर नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक्सेसिव स्ट्रेचिंग है, अगर आप दोबारा नॉर्मल डिलीवर नहीं करते तो ये रिजल्ट्स आपके 8 to 10 years तक लास्ट करते हैं और आपको एक अच्छा स्टार्टअप देते हैं, आपकी लाइफ में कुछ नया ऐड करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी, ये हम नॉर्मल जो लोकल एनेस्थीजिया है यानी जिसको हम कहते हैं ना सुन करके करना, उस जगह को सिर्फ सुन करके किया जाता है, मरीज जागता रहता है, उसमें कोई मसला नहीं है, आप मरीज से बातें करते रहते हैं, वो भी आपके आपको सर्जरी के दौरान सर्जरी आपके साथ इंटरेक्टिव रहता है, और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आप घर जा सकते हैं, आपको कोई स्टे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको करवाने का फ़ायदा इसलिए ज़्यादा है कि आपको उसका बेनिफिट एज कम्पेयर टू लेज़र के एक ही गो में मिल रहा है, रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है। जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस में आप हमारे पास इन्फेक्शन ज़ाहिर है वो हो सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए आप स्टरलाइजेशन को हाई लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी पर्सनल हाइजीनिक कंडीशंस हैं आप उनको इम्प्रूव करें तो इन्फेक्शन को आप मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड कॉम्प्लिकेशन हिमाटोमा हो सकता है, बट इन एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स वो सब ये जानते हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी, जाहिर है सर्जरी से पहले आपकी सारी प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन होता है, आपकी लैब्स होती हैं, और उसके बाद भी ड्यूरिंग सर्जरी भी एक प्रॉपर हीमोस्टेसिस जिसको हम कहते हैं यानी ब्लीडिंग को हम प्रॉपर कंट्रोल करके ही सारा कुछ चेक करके ही बंद किया जाता है। लेकिन जाहिर है ये एक कॉम्प्लिकेशन है, बट इट्स लेस देन 1%। बस